हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे राइजिंग गार्डन में। आज हम एक बहुत ही प्यारे प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका कि नाम है एरेंथेमम या फिर लैक्सीफ्लोरम स्टार शूटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। नर्सरी में इसको पिंक तगर भी बोलते हैं। बहुत ही प्यारा पेरिनियल प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट है। मिट्टी इसकी वही वेलड्रेन मिट्टी बनेगी फ्रेंड्स, जिसमें कि मैं कोकोपीट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करने अच्छा है प्लांट, थोड़ा सा मॉइस्चर लविंग प्लांट है। तो इसको जो है सो मैं यहाँ पे 10 इंच के पॉट में लगा रही हूँ। ये प्लांट वैसे तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप इसे नहीं बर्दाश्त है। आप गर्मी के दिनों में जो है सो सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप इसको दीजिए, उसके बाद जो है आप ग्रीन नेट के नीचे इसे रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है, बहुत सुंदर इसमें फूल आते हैं, गुच्छों में फूल आते हैं। इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा पानी का ध्यान देना होता है। बरसात के समय छोड़ करके जो है सो मैं हमेशा इसमें डेली वाटरिंग करती हूँ। इसमें देखिए नीचे मैंने मिट्टी जो अपने सॉयल मिक्सचर बनाया था वो रखा, और बीच में थोड़ा सा मैंने बर्मी कंपोज का एक लेयर लगाया, ताकि जब रूट नीचे आए तो हमारे प्लांट को न्यूट्रिशंस मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसको जो है सो ये पूरी गर्मी आपको फूल देता रहेगा। वैसे थोड़ी सी गर्मी में इसके फ्लावरिंग कम हो जाती है, लेकिन आप अगर ध्यान देते हैं अच्छे से, इसको ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखते हैं, शेड एरिया में रखते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग आपकी गर्मी भर भी करता है। ये पेरिनियल प्लांट है, आपके गार्डन में हमेशा फूल देगा। और फ्रेंड्स, आप जब इसकी मिट्टी बनाएं तो ये ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी वेलड्रेन होनी चाहिए, और पानी देते समय ये ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी एकदम से ड्राई नहीं होनी चाहिए। जब मिट्टी इसकी ज़्यादा सूख जाती है तो पत्ते मुरझाने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा मॉइस्चर लविंग प्लांट है, थोड़ा मॉइस्चर इसमें बना रहना चाहिए। ये देखिए, यहाँ मिट्टी रखने के बाद मैंने इसे देख लिया कि हमारा जो भी ग्राफ्टेड एरिया होता है वो नीचे नहीं जाए, और बहुत हल्के हाथों से आप इसके पॉलीबैग को हटाएंगे, और यहाँ इसके रूट को हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी में लगा हुआ है ये प्लांट। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट, एकदम सैंड में इन्होंने ग्रो किया है। बहुत अच्छा प्लांट है फ्रेंड्स। ये देखिए, बस ऐसे इतने सुंदर इस देखिए, इनके फूलों को देख रहे हैं। बस इसी वजह से इनको स्टार शूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। नर्सरी वाले तो तगड़ बोलते हैं इसको, पिंक तगड़ कहते हैं, बट जो है सो ये लैक्सीफ्लोरम एंथोरियम इन नामों से जाना जाता है। बड़ा ही प्यारा प्लांट है। मेरे पास इसके 2 प्लांट हैं, यही कलर हैं, और पता नहीं होते होंगे, मैंने देखा है कि और भी कलर होते हैं। देखूंगी अगर नर्सरी में कहीं मिलेगा तो मैं लाऊंगी। मुझे ये बहुत प्यारा लगता है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग बहुत होती है फ्रेंड। अगर आपको मेरी ये कोशिश, मेरा वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और बस इसमें वाटरिंग कर देना है और छाए वाले जगह पर रख देना है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।